नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24। आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। सवालों में ये तो सभी ने पढ़ा होगा, यूं ज्ञान कभी खतरनाक नहीं होता, कम ज्ञान खतरनाक होता है। और कम ज्ञान में आता है किसी चीज़ के फायदे या नुकसान के बारे में ना जानना या उस पर अमल ना करना। मौत की कुछ कहानियां अब सोशल मीडिया पर भी खूब शेयर हो रही है। आजकल के युवा उन्हें आजमा भी रहे हैं और अपनी जान भी गंवा रहे हैं, लेकिन क्यों इसका जवाब आज तक कोई नहीं खोज पाया। हालांकि TV24 इस तरह के खेलों से दूर रहने के लिए कई कार्यक्रम दिखाता रहा है। पहले हमने आपको दिखाया था खतरनाक किकी चैलेंज, फिर आपको दिखाया खौफनाक मोमो चैलेंज, लेकिन अब जो नया चैलेंज आज युवाओं के लिए हम लेकर आए हैं और उनके बीच जो शुरू हुआ है वो है रूसी रूले चैलेंज, यानी कि उंगली दबी और जान गई। रूसी रूले गेम कहां से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर में घटी इस खेल की ऐसी कहानी बताते हैं जिसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और परेशान भी। एक लड़की ने लक वाले खेल का इस्तेमाल किया और उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो इस रिपोर्ट में देखिए। इस तस्वीर को देख लीजिए, फिर किसी सबूत और गवाह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नब्बे के दशक में भारत में इंटरनेट की क्रांति का युग आया था, लेकिन वही इंटरनेट की दुनिया अब जानलेवा साबित होती जा रही है। वहीं रोमांच के शौकीन युवक युवतियों पर यह इंटरनेट की दुनिया इस कदर हावी है कि वो अपनी जान लेने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। यह तस्वीर मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली 21 साल की करिश्मा की है। करिश्मा महज इसलिए दुनिया में नहीं रही कि उसने अपना लक आजमाने के लिए रूसी रूले यानी मौत का खेल खेला था। पुलिस के मुताबिक लड़की अपने दिल्ली के दोस्तों के साथ व्हाट्सएप वीडियो चैट पर घातक ऑनलाइन गेम रूसी रूले खेल रही थी। खेलने के दौरान ही उसने पिता के रिवॉल्वर में गोली भरी, अपने सिर पर रिवॉल्वर रखी और चैम्बर घुमाकर ट्रिगर दबा दिया। मेरा मानना ये है कि ये तो जितना भी है ये सब फेमस होने के लिए है। इसमें लोग गेम वेम इस मारे खेलते हैं कि आजकल की युवा में फेमस होने के लिए, जैसे आज मैंने ये क्लिप बनाई और इतने लोगों ने देखा और इतने ने फॉलो करा, यूट्यूब पे या फेसबुक पे डाल देते हैं जिसके कारण वो फेमस होना चाहते हैं। ये ज़्यादातर तरीका फेमस होने के कारण ही है। पुलिस ने बताया कि करिश्मा यादव अपने परिवार के साथ ग्वालियर के नारायण विहार कॉलोनी में रह रही थी। उसके पिता अरविंद यादव सूबेदार की पोस्ट से 4 महीने पहले ही रिटायर हुए थे। इस घटना के समय उनके माता पिता चित्रकूट गए थे, उसका बड़ा भाई बाजार गया हुआ था। करिश्मा अपने दिल्ली के दोस्तों के साथ वीडियो कॉल कर बात कर रही थी। इसी दौरान उसने उन्हें रिवॉल्वर दिखाई, उसने गोली रिवॉल्वर में डाली और चैम्बर घुमाया।
उसने कहा कि देखते हैं कि उसका भाग्य कैसा है, और ये कहते हुए उसने ट्रिगर दबा दिया। करिश्मा का भाई जब घर लौटा तो वो खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। वो उसे अस्पताल लेकर गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो अब गेमिंग वालों को यह भी समझ आ रहा है कि भाई अग्रेशन जो है सिर्फ आउटवर्डली डायरेक्टेड नहीं होती, इनवर्ड भी हो सकती है। तो उन्होंने ऐसे गेम डिज़ाइन करने शुरू कर दिए और वो बच्चों को पसंद भी आने लगे, क्योंकि जो है इम्पल्स है जो बाहर निकल सकती है, तो सेल्फ हर्ट भी हो सकता है। अगर बच्चे किसी वजह से बाहर अपनी एग्रेशन नहीं निकाल पा रहे तो उनको ये भी बड़ा अच्छा लगता है कि वो सेल्फ डायरेक्टेड हो। तो सेल्फ हार्म जो हैं, ये वीडियो गेम्स काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, ब्लू व्हेल जैसा आप बता रहे हैं, तो बच्चे जो हैं उनको इस चीज़ की भी लत लगती जा रही है। इससे एक तरीके का एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होते जा रहा है। जांच अधिकारी के मुताबिक जांच में पता चला कि लड़की दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ चैट कर रही थी। पूछताछ में उसकी एक दोस्त ने बताया कि वो लोग बात कर रहे थे, अचानक कॉल कट गई। उसे नहीं पता कि ग्वालियर में क्या हुआ। यह बात भी सामने आई कि उसके दोस्तों ने उससे कहा कि हथियार से न खेले, यह जानलेवा हो सकता है। उसने कहा कि अगर कुछ गलत हुआ तो वो देख लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की 21 वर्षीय युवती रूसी रूले गेम का शिकार हो गई। हालांकि उसके दोस्तों ने उसे चेताया था कि ये खेल उसके लिए जानलेवा हो सकता है, लेकिन इसकी परवाह किए बिना उसने खुद को शूट किया और उसकी मौत हो गई। कानून में अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ऐसे खेलों पर रोक लगाई जा सके। देखना होगा आने वाले समय में कानून में क्या बदलाव लाया जाता है जिससे इन खेलों पर रोक लगाया जा सके। पहले ब्लू व्हेल, फिर किकी चैलेंज और मोमो चैलेंज, अब रशियन रोलेट गेम लोगों की जान लेने पर उतारू है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये गेम आते कहां से हैं और क्यों ये गेम नई पीढ़ी के लिए जानलेवा बनकर सामने आ रहे हैं। इस पर भी साइबर एक्सपर्ट की राय जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर रशियन रोलेट गेम है क्या। रूस में एक ऐसा खेल कई सालों से खेला जाता है जिसमें जरा सी चूक प्लेयर की जिंदगी खत्म कर सकती है, लेकिन खेल के दीवाने बिना मौत की परवाह किए एक के बाद एक झटके बर्दाश्त करते हैं। अब इस खेल में रूसी लोगों के एक समूह ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस ग्रुप ने रशियन रूलेट में 10,000 वोल्ट का झटका झेला। इससे जुड़ी तस्वीरें रशियन फोरम और सोशल मीडिया के पेजेस पर पोस्ट की गई हैं। तस्वीरों में दिखाया गया कि खेल में 2-3 शख्स एक दूसरे के सिर पर बंदूक चला रहे हैं। हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। लेकिन हिंदुस्तान में इंटरनेट की क्रांति आने के बाद एक पहलू इंटरनेट का सकारात्मक था जो कि सबने यूज किया, लेकिन अब जो नकारात्मक पहलू है वो सामने आने लगा है। यानी कि विदेशों से हिंदुस्तान के अंदर खतरनाक गेम आने लगे हैं जिनके चंगुल में फंसकर युवा जान तक देने के लिए मजबूर है। क्या है रशियन रोलेट? युवाओं के लिए अपनी जान से खेलने वाला रशियन रोलेट एक घातक खेल है। इसमें रिवॉल्वर के अंदर सारे चैम्बर खाली करके सिर्फ एक गोली रखी जाती है, फिर रिवॉल्वर का सिलेंडर घुमा दिया जाता है। गोली चलाने वाले को भी नहीं पता होता कि गोली कहां है। ट्रिगर दबाने पर अगर गोली नहीं चली तो इसे भाग्यशाली माना जाता है। TV24 इस तरह का खतरनाक खेल खेलने वालों से अपील करता है कि ऐसी सोच से बचें
जो आपके लिए खतरनाक ही नहीं बल्कि जानलेवा साबित हो जाए, क्योंकि इसी तरह का एक मामला अमेरिका के टेक्सास में सामने आया था, जहां एक भारतीय मूल के अमेरिकी को उसके दोस्त ने इसी एक खतरनाक रूसी खेल के दौरान गोली मार दी थी, जिसमें उसकी मौत हो गई। गोली चलाने वाला शख्स भी भारतीय मूल का ही था। इस वारदात में भी इसी रशियन रूलेट के अंदाज में गोली चलाई गई थी। पहले ब्लू व्हेल ने दस्तक दी, जिसमें उसने आतंक मचाया, उसके बाद मोमो चैलेंज आया और अब रूसी रूले आया है। इस गेम के अंदर रिवॉल्वर के चैम्बर में केवल एक गोली डाल दी जाती है और उसके बाद अपने ऊपर शूट किया जाता है। इंसान बच गया तो वो भाग्यशाली, अन्यथा उसकी जान समाप्त। क्लासिक रशियन रूलेट गेम भी कुछ इसी तरह का होता है। इस खेल का लक्ष्य होता है सस्पेंस झेलना। खेल की शुरुआत में पिस्तौल के कई खांचों में से सिर्फ एक में कार्टेज भरा होता है, ताकि खिलाड़ी को सात में से एक ही बार 10,000 वोल्ट का झटका लगे। दूसरे राउंड में अगर प्लेयर सर्वाइव करते हैं तो कार्टेज की संख्या दो कर दी जाती है। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, कार्टेज की संख्या बढ़ती जाती है और झटके का दोहराव भी बढ़ता जाता है। अगर एक ही युवक के ऊपर बंदूक चलाकर प्लेयर बोर हो जाते हैं तो लव ट्राइंगल बनाया जाता है। इसमें तीन खिलाड़ी एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करते हैं। खेल में जीतने पर विजेता को मेडल और ट्रॉफी से अधिक अपने समूह में इज्जत हासिल होती है। दरअसल ये जो गेम आते हैं, एक अगर हमारा एक दोस्त खेल रहा है उसे देख के हम इस गेम के साथ जुड़ जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये गेम अपना आप ही एक ऐसी चीज़ें सामने लाता है जिससे आदमी मजबूर हो जाता है आत्महत्या तक करने में। ये साइबर क्राइम जो महामारी का रूप हिंदुस्तान में ले लिया है या जो भी डेवलप कंट्री है उनमें ले लिया है, इससे नई पीढ़ी पूरी खराब हो गई है। जो सोशल सिस्टम मजबूत था हिंदुस्तान का और विदेशों में जाना जाता था, विदेशों में इसकी नकल करते थे, आज वो ध्वस्त हो गया। हालांकि इस खेल को रिस्क फ्री नहीं माना जाता, लेकिन क्लासिक रशियन रूलेट ये सब कुछ खतरनाक है। इस खेल को रिस्क फ्री तो नहीं माना जाता, लेकिन क्लासिक रशियन रूलेट से यह कुछ कम खतरनाक है, क्योंकि इसमें असली बुलेट का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन TV24 एक बार फिर आपसे यही अपील करता है कि ऐसा रिस्क कभी ना उठाएं, क्योंकि ये भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। प्रमोद शर्मा, TV24। रशियन रूलेट जैसे खतरनाक गेम के बारे में जानने से ये भी जानना जरूरी है कि आखिर रूले नाम का ये शब्द आया कहां से और कैसे इस घातक गेम की शुरुआत हुई। इसे जानने के लिए आपको कुछ पीछे जाना होगा। क्या है रूलेट यानी रूले शब्द की पूरी कहानी, इसको समझिए। अगर आप हिंदी, अंग्रेजी या फिर वर्ल्ड सिनेमा देखने के शौकीन हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कैसिनो वाला कोई सीन नहीं देखा हो, और कैसिनो देखा होगा तो बहुत कम संभावना है कि आपको रूले ना दिखाई दें। कहां से आया रूले शब्द? रूले एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा सा पहिया। ये कैसिनो में खेले जाने वाले सबसे पॉपुलर गेम्स में से एक है, जिसमें 37 खाने होते हैं। हर खाने में 0 से लेकर 36 तक एक नंबर लिखा होता है। जिस खाने में 0 लिखा है वो हरे रंग का होता है, और बाकी बचे खानों में से आधे 18 खाने काले रंग के होते हैं और आधे 18 खाने लाल रंग के होते हैं। लेकिन सारे काले खानों में सम और सारे लाल खानों में विषम संख्याएं नहीं होती। इसके सामने कुछ काली सम होती हैं तो कुछ विषम, इसी तरह कुछ लाल सम और कुछ विषम। रूले के गेम में एक छोटी सी गेंद को चक्के में रखकर उसे घुमाया जाता है। चक्का और गेंद दोनों ही थोड़ी देर तक घूम चुकने के बाद धीरे धीरे रुक जाते हैं, और तब गेंद किसी एक खाने में आकर रुक जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि रूले में बेटिंग कैसे की जाती है। बेटिंग के लिए रूले के बगल में ही एक पट्टा रख दिया जाता है, उसमें ढेर सारे खाने बने होते हैं। खेलने वाले इनमें से किसी भी खाने में अपने चिप्स रख सकते हैं, और जहां पर चिप्स रखे हैं उसी आधार पर जीत और हार तय होती है।
पट्टे के आधार पर दो तरह से बेटिंग की जा सकती है, जिसमें इनसाइड बेट, आउटसाइड बेट। अगर खेलने वाले पट्टे में लिखे नंबर या नंबरों के बीच में कहीं चिप्स रखते हैं तो उसे इनसाइड बेट कहते हैं, और अगर वे नंबर वाले खानों में अपने चिप्स ना रखकर उन्हें बाहर वाले किन्हीं खानों में रखते हैं तो उसे आउटसाइड बेट कहा जाता है। आइए जानें खिलाड़ी किस किस तरह से अपने चिप्स के साथ इनसाइड या आउटसाइड बेटिंग कर सकते हैं। नोएडा से प्रमोद शर्मा के साथ वरुण श्रीवास्तव, TV24। इस अगले खेल में प्लेयर्स नंबर के ऊपर ही चिप्स रखकर इनसाइड बेटिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ और तरह की बेटिंग के लिए खिलाड़ी को कुछ और खानों की जरूरत पड़ती है। चलिए आपको जरा इनसाइड और आउटसाइड बेट के बारे में समझाते हैं। अगर प्लेयर अंदर वाले खाने में किसी भी नंबर के ऊपर अपने चिप्स रख दें तो वो स्ट्रेट अप कहा जाएगा। इस तरह से बेट लगाने में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि 37 में से एक चांस है कि बॉल एक नंबर पर रुकेगी, लेकिन इसमें जीतने पर प्लेयर को चिप्स भी उसी हिसाब से ढेर सारे मिलते हैं। प्लेयर अगर किन्हीं दो नंबर के बीच में अपने चिप्स रख दें तो उसे स्प्लिट बेट कहा जाएगा। अब गेंद एक पर रुके या दो पर, प्लेयर दोनों ही हाल में जीता माना जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स उसे स्ट्रेट अप से कम फायदा होगा। ध्यान रहे, रिस्क ज्यादा तो चिप्स ज्यादा। आप देख सकते हैं कि पट्टे में 36 संख्याओं को 12 वर्टिकल लाइंस में बांटा गया है। हर लाइन में 3 संख्याएं हैं। किसी एक वर्टिकल लाइन में पैसा लगाने को स्ट्रीट बेट कहेंगे। स्ट्रीट बेट में पैसा लगाने के लिए प्लेयर अपने चिप्स को उसे हॉरिजॉन्टल रेखा में आधा बाहर और आधा अंदर रखेगा, जो इनसाइड बेटिंग और आउटसाइड बेटिंग को अलग करती है। साथ ही उस वर्टिकल लाइन में जिस स्ट्रीट के नंबरों के ग्रुप को प्लेयर ने चुना है, तो यूं चुनी हुई 3 संख्याओं में से एक आने पर प्लेयर जीता हुआ माना जाएगा। प्लेयर कोई भी 3 संख्याएं नहीं चुन सकते, बल्कि केवल उन्हीं संख्याओं का सेट चुन सकते हैं जो एक रेखा में है, जैसे 1, 2 और 3 का सेट, या फिर 4, 5 और 6 का सेट। अगर प्लेयर्स 6 संख्याओं के सेट में अपने पैसे लगाते हैं तो उसे डबल स्ट्रीट बेट कहा जाता है। चिप्स कहाँ रखने हैं, इसका जवाब ये है कि ठीक स्ट्रीट बेट की तरह, बस 2 वर्टिकल रेखाओं के बीच। किन्हीं 4 नंबरों के सेट पर चिप्स लगाने को कॉर्नर बेट कहा जाता है। इसमें प्लेयर्स 4 संख्याओं के बीच में अपने चिप्स रख सकते हैं। प्लेयर्स लाल या काले नंबर्स में से कोई एक चुन सकते हैं। प्लेयर्स किसी भी रंग का नंबर चुने, जीतने की संभावना आधे के करीब ही रहती है। करीब इसलिए क्योंकि एक हरा वाला नंबर तो याद ही होगा आपको। सम या विषम में से किसी एक तरह के नंबर चुने जा सकते हैं। यहां पर भी जीतने की संभावना आधे के लगभग ही होती है। इस बेटिंग में खेलने वाला निम्न 3 सेटों में से कोई एक चुन सकता है, 1 से 12 तक, 13 से 24 तक, या फिर 25 से 36 तक, जिसमें जीतने की संभावना 1/3 से कुछ कम होती है। जो स्ट्रीट बेट थी वर्टिकल सेट वाले नंबर्स के लिए, वही डजन बेट हैं। हॉरिजॉन्टल सेट वाले नंबर्स के लिए और एक हॉरिजॉन्टल लाइन में 12 नंबर होते हैं, इसलिए इसमें जीतने की संभावना 1/3 होती है, क्योंकि
आप 12 नंबर्स का एक सेट चुन सकते हैं। रशियन रूले में रूले की तरह इतने सारे नियम नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इसके नाम में रूले इसलिए ही जुड़ा हुआ है क्योंकि रशियन रूले के नियम कमोवेश रूले की तरह ही है। और ये भी एक तरह का जुआ है जिसमें एक चीज दांव में लगी होती है। यह कीमती चीज होती है और कम से कम एक जिंदगी। कैसे खेला जाता है रशियन रोलेट? एक पिस्तौल के चैम्बर में 6 या कभी 8 खाने होते हैं, जैसे रूले में 37 या 38। हर खाना खाली होता है, बस एक को छोड़कर उसमें भरी होती है गोली। अब जिस सिलेंडर में गोली भरी होती है उसे जोर से घुमा दिया जाता है, जैसे रूले को घुमाया जाता है। दो खेलने वालों को नहीं पता होता कि भरा हुआ खाना कौन सा है और कौन सा खाली। दोनों बारी बारी से अपने माथे पर पिस्तौल रख कर चलाते हैं, एक बचता है और एक मारा जाता है। ये दोनों ही खेल न केवल रिस्की हैं, बल्कि गैर कानूनी भी हैं। इसलिए इसे खेलने के बारे में कतई ना सोचे। ज्ञान बेशक हर चीज का लें। प्रमोद शर्मा के साथ मनोवर चौहान, TV24। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको एक बार फिर से अलर्ट करता हूं कि ऐसे गेमों से हमेशा दूर रहिए, क्योंकि ये खेल ना सिर्फ केवल रिस्की है बल्कि गैर कानूनी भी है। इसलिए इसे खेलने के बारे में कतई मत सोचें। ज्ञान बेशक हर चीज का लें, लेकिन प्रयोग बिल्कुल ना करें।